मोमिन, जहां हम बात करें जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर्स की, वहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत सारी थ्रेट्स हैं लाहौर कलंदर के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखते हुए, स्पेशली द बोलिंग दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज पुट फॉरवर्ड, किस तरह उसको टैकल किया जाए और हैंडल किया जाए, लाहौर कलंदर्स कैसे हैंडल करती हुई देखेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इसी बात से, बॉलिंग अटैक से, कि हमारी इस पीएसएल को, इस क्रिकेट को हमारे फैंस बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो yes. आज के मैच में एक बड़ा फेस टू फेस जो लोग देखना चाह रहे हैं वो आमिर वर्सेस शाहीन का है। सोशल मीडिया पे दोनों के फैन क्लब्स बहुत एक्टिव हुए हैं दोनों की, और आइडियली हम तो चाहेंगे कि ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे और इंडिया को हम हराएं, लेकिन ऑफ कोर्स आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक लाहौर की तरफ से वही लीडरशिप होगी शाहीन की, व्हिच हैज टू मेक श्योर कि वो, ये जो क्वेटा एक गेम जीती भी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा कि वो इसको ठीक तरह टैकल कर लें। बट मैं पर्सनली फैंस को जब सोशल मीडिया पर ट्वीट्स देख रहा हूँ, फैन क्लब्स देख रहा हूँ, वो देख के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट आज के मैच की और ज्यादा फील हो रही है, दैट आमिर वर्सेस शाहीन। सोशल मीडिया पे आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब हमें वो देखनी है फियर पेस जो दोनों तरफ से आएगी, वही तो मेजरली आप कहें तो इट इज द फास्ट बोलर शो टुडे एट गद्दाफी स्टेडियम। यस इट इज एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मेक सेंस। यस, और ये बात अच्छी मोमेंट ने लाया है प्लेटफॉर्म के ऊपर के शाहीन और जो आमिर अभी दोनों क्रिकेट खेल के है ना एक ही टीम की तरफ से। हाँ। तो मैंने पहले दोनों की बात की है, शाहीन ने जो अपनी इंटरव्यू भी दिया है उसने जो बात की है ना आमिर के बारे में कि आई लर्न फ्रॉम आमिर समथिंग विच इज अ गुड हम्बल स्टेटमेंट, और ये कमिंग फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये आमिर बहुत स्मार्ट हैं, उनको क्रिकेट का बहुत पता है, उनको अपनी बॉलिंग का बहुत पता है। जब ये इनको इतना पता है तो शाहीन जो कुछ मैचेस खेल के आमिर के साथ आया तो उनको बहुत फायदा हुआ, और इसीलिए मैंने पहले शो में भी कहा था कि 140 की पेस जो वापस आई है तो हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आमिर ने उसको ऐसा बताया हो जो आम कोचेस नहीं बता सकते, क्योंकि आमिर खुद लेफ्ट आर्म सीमर है, उसका भी गेंद अंदर आता है, शाहीन का भी अंदर आता है, तो उसको पता होगा कि कहाँ पे शाहीन को इम्प्रूव करना चाहिए था। तो मैंने थोड़ी सी अलाइनमेंट भी देखी है शाहीन की, वैसे इज मच बेटर देन बिफोर एक्चुअली। लाला, आपके पास कोई ऐसी खबर है? देखिए लाला की जेब में क्या है? मोहम्मद ने मेरे पास खबर, मैं तो शाहीन से ऑनेस्टली क्रिकेट की बात करता ही नहीं, वो एक दो दफा उसने मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद मैंने क्रिकेट की बात ही करना छोड़ दिया। खुद ही सीखेगा, खुद ही सीखेगा, मार मार खा के सीखेगा। मुझे सिर्फ वो जो तंग करती है ना एक चीज, वो उसके जो आगे बॉल करता है ना, मैं मुझे वो पसंद नहीं है जो ऑफ स्टंप पे आगे बॉल करते हैं। एक होता है कि बिल्कुल आगे बॉल, अब तो अब ज्यादातर बैट्समैन उसके रेडी होते हैं बॉल आगे के बॉल के लिए, तो उसको वेरिएशन जरूरी है। 140 के पेस पे अगर आप बाउंसर नहीं मार रहे, बैट्समैन को हिला नहीं रहे, तो मेरा मतलब है कि फिर फास्ट बॉलर का क्या फायदा। फास्ट बॉलर आरएस रूफ को देखा, फास्ट बॉलिंग तेज स्पेस, लेकिन वही आगे मुंह पे गेंदे किए जा रहे हैं, तो इन बातों से थोड़ा सा मैं तंग होता हूँ। खैर, वेल जहाँ तक आमिर की बात है, आमिर अभी तक टॉप क्लास बॉलिंग कर रहा है, बहुत सारी लीगों के अंदर उस लड़के को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, वो किसी को खुल के मारने नहीं देता। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, हर जगह लीगें होती है, तो रोज़ रोज़ परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन वो भी बड़ा मुश्किल काम है, हमें नहीं रखनी चाहिए। तो आई मीन के बहुत कुछ शाहीन ने उसके साथ खेला, एमिरेट्स लीग में खेला जाके आमिर के साथ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखा होगा शाहीन को। शाहीन की एक अच्छी आदत है कि पूछता रहता है, सीखता रहता है, जहाँ समझ आती है कि यार ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस करेगा, इससे सीखना चाहिए, तो उनसे पूछता रहता है। ये अच्छी बात है, अगर आमिर ने उसको बताया या शाहीन ने आमिर से पूछा है, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे हैं मुसलसल के, PSL 9 के 3 दिन गुजर चुके हैं, मतलब ये 3रा दिन अब हो गया है, शुरू हो रहा है जो, और मैचेस की बात करें तो एक एक मैच सारी टीम खेल चुकी है। पॉइंट्स टेबल पे हाफिज नज़र डाल लेते हैं कि इस वक्त क्या स्टैंडिंग है। हमें पता तो है कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है, मगर नेट रन रेट अभी से ही ऑब्वियस टीम्स को नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि लीग्स इतनी कंपेटिटिव हैं और टीम्स इतनी कंपेटिटिव हैं आपस में कि आखिर में ये छोटे छोटे से मार्जिन वुड मैटर द मोस्ट। मुल्तान सुल्तान्स का नेट रन रेट भी सबसे ज़्यादा है और पॉइंट्स टेबल पर भी वो सबसे ऊपर नज़र आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स उनके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 2 पॉइंट्स हैं और उसके साथ क्वेटा ग्लेडिएटर्स के भी 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद पेशावर जलमी है, ये अपना मैच नहीं जीत पाए, तो इन्होंने भी अपना खाता खोलना है। इसी तरीके से लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, इनके मनफी हैं नेट रन रेट भी और इन्होंने भी अपना खाता भी खोलना है। अभी तक ये कोई भी मैच, जो एक मैच इन्होंने खेला है उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, सो यस, किस तरह आज परफॉर्मेंस होगी, क्या आज लाहौर कलंदर्स के सामने 2 पॉइंट्स आ जाएंगे या फिर
कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पॉइंट्स जीत के आगे बढ़ जाएगा और टॉप ऑफ द टेबल जाके बैठ जाएगा। बट मुशी भाई, एक और कॉन्टेस्ट, एक और फेस ऑफ जो हम देखने को तैयार हैं, विच इज जेसन रॉय सऊद शकील वर्सेस शाहीन शाह आफरीदी। ऑफ कोर्स, आप जैसे मैंने कहा ना, जेसन रॉय जो है वो फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है। अब जो शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है, ये शाहीन को बहुत जल्दी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब उसको पिछले छः महीने से साल से तैयार हो जाते हैं उसके यॉर्कर के लिए। वो पूरे लेंथ बॉल के नहीं, फुल बॉल के लिए तैयार होते हैं। मैं जेसन रॉय को देख रहा, पिछले मैच में मैं लाहौर कलंदर के खिलाफ देख रहा था, जो उनके ओपनर थे, वो पता क्या कर रहे थे, वो प्रैक्टिस ही ये कर रहे थे कि मैं देख रहा था, एक्शन ही प्ले कर रहे थे, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे अपने बैट को, जो होती ना एक कि मैंने फुल बॉल को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्रॉस नहीं खेलना, सीधा मारने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये शाहीन को जित, और जैसे डायमंड कोक ने कहा था कमेंट्री करते हुए, तो अब वो उससे मेरे ख्याल मैच से पहले कोई डिस्कशन भी कर रहा था, तो आई वॉज हियरिंग डायमंड कोक कह रहा था कि शाहीन कैन एक्चुअली डिसीव पीपल राइट नाउ विद हिज लाइन एंड लेंथ। जो 6 to 7 meters की बात कर रहे थे, वो 6 to 7 meters की अगर आप बॉलिंग करें ना, तो दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग लाइन फॉर एनी बैट्समैन, एनी फ्लैट पिच, किसी भी फ्लैट पिच के ऊपर, वो लाइन के ऊपर सामने शाहीन का थोड़ा सा भी स्विंग हो रहा हो, 140 की स्पीड को मिड ऑन के ऊपर मारना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पहले दो ओवरों में। तो आई थिंक शाहीन को मुशी भाई ये दामने को कौन है, ये नहीं दामने को ये मरी के साथ एक पहाड़ी है, उसका उसके ऊपर एक रहता है इस्लामाबाद के ऊपर। I got it. He's your best friend. मेरे से काफी काउंटी क्रिकेट खेला हुआ है उसके साथ, शायद तो काउंटी भी खेला उसके साथ। नहीं, आसान आपके लिए कर देते हैं, कॉर्की कहते हैं उनको। किसके कहते हैं? डोमिनिक कॉर्क को कॉर्की कहा जाता है, उनका निकनेम जो है वो कॉर्की कहते हैं। ये मगर ये क्योंकि दूर बैठा हो ना, तो कई दफा आवाज पहुंचते कट जाते हैं, अल्फाज कट जाते हैं जब आप दूर बैठे होते हैं। तो आई एम ऑन माई वे, आई विल सी यू टुमारो माइट। Alright, mate. Minimum, you and Mr. Saqib will join us, and the game will be different. Oh, don't limit the cross. अच्छा जी, ये बातें तो चल रही हैं सवेरा, कुछ बता दें, एक घंटा होने वाला है, क्या छुपा कर रखा हुआ है, लोग जानना भी चाहते हैं, मुशीबे भी देख रहे हैं कि क्या निकलने वाला है। मोमन से पूछो, वैसे मोमन शायद गेस कर ले, मोमन क्योंकि सोशल मीडिया का किंग है, तो इसको पूछो जरा। मोमन गेस कर सकते हैं आपके मेरी पॉकेट में क्या है? मेरी तो पहली, मेरा पहला गेस्ट टिकट ही था, लेकिन वो वापस आ गया, टिकटें नहीं है, तो मुझे लगता है कि समोसे जलेबी है ना वो, क्योंकि वो आपके लिए मुझे भाई मिलेगा तो अरेंजमेंट करना होता है। नहीं जी नहीं, ना मेरी जेब में टिकटें हैं, प्लीज टिकटें ना मांगिएगा, बिल्कुल मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, सो टिकटें नहीं है बिल्कुल मेरी जेब में, और ना ही समोसे जलेबियाँ हैं। वो समोसे जलेबियाँ आ जाती हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं मुशी भाई के, तो समोसे जलेबियाँ तो फौरन, ये केकरस भी रखे हुए बराबर में। बट मेरी पॉकेट में मेरी सेविंग्स हैं और हम बात कर रहे हैं सेविंग्स फीचर की, इजी पैसा ऐप की, जहाँ यूजर्स जो बचत करना चाहते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए वो कस्टमाइज सेविंग गोल सेट कर सकते हैं। सो बस अमाउंट डिसाइड करें और उसका टेन्योर डिसाइड करें, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जरिए आप पैसे सेव कर सकते हैं। मतलब हाफिज, स्टार्ट सेविंग। बिल्कुल, बचत करना शुरू करें, और जैसे ही आपने ये बचत करनी है, आज लाहौर कलंदर्स ने बचत करनी है कि रन्स ज़्यादा नहीं देने, और दिल खोल कर रन्स बनाने हैं जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे, अगर मैच जीतना है। क्यों मुशी भाई, आपके ऊपर 2 पॉइंट भी तो लेके जाने हैं ना। बिल्कुल, तो अब होगी मेरी सेविंग्स। जी अरे, इजी पैसे की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो शाहिद और मैं आएंगे ना, तो इजी पैसे को और इजी कर देंगे, इतनी कि इनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोगों को पता चल जाएगा कि इजी पैसा होता क्या है। क्या बात है आपकी, क्या बात है।